Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy in Mausam. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for SRCC GBO 2021 exam, because I am going to discuss last 5 days revision strategy. Guys, ये video काफी important होने वाला है, because अब time नहीं है SRCC GBO में. 6 मार्च को exam है, आज first है, तो hardly 5 days है, ठीक है. तो ये video जरूर से like कर दो, like करने से video ऊपर जाता है, काफी लोग जो तैयारी कर रहे हैं SRCC की उनकी help हो जाएगी. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो guys, क्योंकि डेली वीडियोज बन रहे हैं, बीट ए स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट ए कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट ए नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो, ठीक है. तो गाइस देख लेते हैं क्या क्या पॉइंटर्स हैं. बेसिकली गाइस यहाँ पे इशू आ रहा है बच्चों के साथ, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है बच्चे रिवाइज कैसे करें. काफी लोग काफी गलत ऐसे रिवाइज कर रहे हैं, कुछ लोग क्वांटम कैट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस टाइम पे चैप्टर बाय चैप्टर. तो ऐसा आप लोग मतलब बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हो मेरे ख्याल से, तभी मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है. ये वाले वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है. और इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा एग्जाम में, ठीक है. चलो गाइस, फोकस ऑन रिवाइजिंग एज मेनी कॉन्सेप्ट्स एज पॉसिबल, नॉट टू लीव एनी टॉपिक इन क्यूए. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ चीज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताई कई बार. गाइस अब टाइम आ गया कि आपको एक ही चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाने नहीं है, आपको सारे टॉपिक्स के बेसिक्स देखना है कि कोई फॉर्मूला आपको आना चाहिए, कोई ऐसा ना कोई फॉर्मूला आए. फॉर एग्जाम्पल इनवर्स फंक्शन कैसे निकलता है, बेसिक क्वेश्चन ही आएगा बट आना चाहिए. इवेंट फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है. जैसे कुछ अनकॉमन टॉपिक्स आप नहीं पढ़ते हो, जैसे फंक्शन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बेसिक्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम हो गया, ये सब ये आपको करने पड़ेंगे. आपको अगर लग रहा होगा कि सब क्यों पढ़े, बता देता हूँ आपको. फंक्शंस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिला के 7-8 क्वेश्चन लास्ट ईयर थे, ठीक है. तो गाइस कुछ भी हो सकता है इस बार, ये दोनों टॉपिक से क्या पता क्वेश्चन ज्यादा ना आए, दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, आ कुछ भी सकता है. क्योंकि गाइस आता ईजी है तो आने में कुछ भी आ सकता है, ठीक है. एसआरसीसी और सीमेट और स्नैप, ये तीनों का ये फंडा होता है कि हर सब कुछ देंगे, ईजी देंगे, ठीक है. तो ये आप फिर से बोल रहे हो गाइस, अच्छे से रिवाइज करो, ज्यादा क्वेश्चन से फोकस मत करो, एग्जाम्पल्स देख लो. मेनली आपके अगर दिमाग में क्वेश्चन फॉर्मूला रटा हुआ है कि कैसे होता है 1-to-1 फॉर्मूला, 1-to-1 फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, ऑन टू फंक्शन कैसे निकालते हैं, टोटल फंक्शन कैसे निकालते हैं, कार्डिनलिटी क्या होती है, ये सब पता है आपको, तो आप चलो आपका हो जाएगा अच्छा, ठीक है. बट आप अगर अर्थमेटिक अलजेब्रा ये सब लगाने में लगे हुए उस टाइम पे गलत कर रहे हो आप, क्योंकि पेपर टफ नहीं आता ज्यादा, ठीक है. टॉपिक्स टू रिवाइज इन वीए, गाइस वर्बल एबिलिटी भी काफी लोग पूछ रहे हैं. अगर देखो वर्बल एबिलिटी काफी कम टाइम में काफी ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकती है, प्रोवाइडेड आपको अगर आता हो तो. वर्बल के लिए आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स रिवाइज कर लो अच्छे से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लो, इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लो, होमोनिम्स कर लो, फिगर्स ऑफ स्पीच कर लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लो, ऐसा कुछ कर लो, ठीक है. ये सब कुछ कहां से करना है, यूट्यूब में हम लोगों की प्लेलिस्ट है वर्बल एबिलिटी, उसको उसके वीडियोस देख डालो सारे, 12 वीडियो हैं उसके, ठीक है. हम ही लोग के चैनल में जाओ प्लेलिस्ट में, और हम लोगों ने उसमें भी डाला हुआ है, जिसने क्रैश कोर्स लिया हुआ है, क्रैश कोर्स में सब कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे ऊपर वो फर्स्ट वाले पॉइंटर हो, पॉइंट्स का सब कुछ है, सारे वीडियोस कौन से पड़े हुए हैं, चाहे वो वर्बल हो, ठीक है. क्रैश कोर्स जिनका वो जिनका क्रैश कोर्स लिया है उनको मैं बोल रहा हूँ गाइस, 20 पीडीएफ है, 15 से 20 पीडीएफ है कॉन्ट्स की, थ्योरी हैंड आउट प्रैक्टिस शीट ही बोल रहा हूँ, उसको रीड कर लो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है. प्रैक्टिस एटलीस्ट 50 क्वेश्चन ईच ऑन सिलोजिज्म, सिलोजिज्म के गाइस 3-4 क्वेश्चन लास्ट ईयर थे, काफी लोगों को रूल्स नहीं पता होते हैं, उसको देख लो यूट्यूब में वीडियो देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है. उसके अलावा आप स्टेटमेंट एजम्पशंस के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कहाँ से करना है, अगर वो कंटेंट नहीं है आपके पास तो आप टेस्ट ऑफ रीजनिंग बाय अरिहंत बुक की पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप प्रैक्टिस कर लो. अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लास्ट ईयर आए क्वेश्चन, नंबर्स एंड लेटर सीरीज आते ही है, उसके अलावा डायरेक्शन सेंस वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं तो क्वेश्चन आएंगे. बच्चों जो टॉपिक जिससे बच्चों को काफी इशू होता है वो सिलोजिज्म बच्चे गलत कर देते हैं और स्टेटमेंट अजम्पशन बच्चे गलत कर देते हैं, तो आपको ये करना है. टेक एटलीस्ट 5 मॉक्स बिफोर एग्जाम एंड एनालाइज, जिन लोगों ने मॉक नहीं दिए कम से कम गाइस 5 मॉक दे दो, 2-2 घंटे का एग्जाम है, आप सुबह भी एक बार मॉक दे दो, एक शाम को दे दो, बाकी पूरे दिन पढ़ो. जैसे आप सुबह 11 से एक मॉक दो, उसकी शाम को 7 से 9 एक मॉक दो, बाकी नहीं पढ़ो आप, ठीक है. मॉक देना भी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम टेकिंग टाइम मैनेजमेंट वाला पेपर है, 2 घंटे में आपको 160 क्वेश्चंस करने, बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट वाला पेपर है, तो अगर आप नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा. ये जो पेपर है गाइस ये लीव करने वाला है, मतलब आपको सही चीज छोड़ने अगर आ गई तो आप कर ले जाओगे. डीआई के पीछे मत पड़ो गाइस, डीआई को सबसे एंड में करना. डीआई में भी ऐसा नहीं कि एक सेट के 4 क्वेश्चन करना ही कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, एक सेट के 4 में से 2 क्वेश्चन नीचे वो करो कि आगे बढ़ो, ऐसा करना है. कुछ लोग पूछ रहे थे डीआई में पूरा टेबल बनाया क्या, कुछ नहीं करना है, सब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलना है आपको, टाइम नहीं टेबल बनाने का, ठीक है. पता चला आपने टेबल बना दी पूरी, उसके बाद आपका हुआ ही नहीं, आगे क्वेश्चन ही नहीं आया तो बेकार हो गया आपका, टाइम बर्बाद हो गया ना, टाइम बहुत प्रीशियस है. सेम फॉर आरसी, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप रीडिंग ऑपरेशन करो अनलेस बहुत ईजी हो, ठीक है. उसके अलावा उसकी जगह आप कुछ और कर सकते हो. रिवाइज फुल अर्थमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री मेंसुरेशन नंबर थ्योरी, गाइस पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो, एक एक चैप्टर एक एक कंसेप्ट रिवाइज कर लो, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
अलजबरा के सारे फॉर्मूले रट लो, ज्योमेट्री के सारे थ्योरम्स रट लो, मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले, स्फीयर, फ्रस्टम ऑफ कोण वगैरह सब कुछ रट लो गाइज अच्छे से, ठीक है? आपने पढ़ा सब कुछ, आपको रटना है बस, वहां पर जाकर सोचना नहीं पड़े आपको, ठीक है? जिन लोगों ने पढ़ाया गाइज उन लोगों के नंबर आ रहे हैं। आज ही मेरी बच्चे से बात हो रही थी, उसका काफी अच्छा स्कोर आ रहा है, 450 प्लस आ रहा है उसका, उससे कौन से 150 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? जो दो क्वेश्चन गलत हुए, अभी सिलेबस चेक से गलत हुए, तो गाइज अगर आप पढ़ोगे तो आपके नंबर आएंगे, ठीक है? ये चीज है। आइडियल टाइम एलोकेशन है 40 मिनट्स क्वांट्स, 30 मिनट्स एलआर, हाँ 30 मिनट्स एलआर डीआई, 30 मिनट्स एमवीए, 20 मिनट्स क्वांट्स को। ज्यादा टाइम क्यों दिया कि क्वांट्स मैक्सिमाइज कर लेता है स्कोर, ठीक है? कुछ लोग बोलेंगे डीआई को टाइम दे, बट डीआई की मैं फेवर में ज्यादा नहीं हूँ, क्योंकि डीआई काफी टाइम टेकिंग होती है और ज्यादा टाइम में भी आप कम क्वेश्चन कर पाओगे। आइडियल अटेम्प्ट होने चाहिए अगर पेपर लास्ट 2 साल की जैसा गया, क्वांट्स 35, एलआर 32, वीए 32, डीआई 25। डीआई में ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, पेपर अगर ठीक आए तो, बहुत ही इजी आया तो अलग बात है। गैस सरप्राइज की रेडी रहो, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग क्वांट्स क्वांट्स कर रहे हैं, क्या पता क्वांट्स टफ आ गई, डीआई बहुत सिंपल आ गई, तो आपको देखना पड़ेगा वहां पे, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा भी हो चुका है एग्जाम में, तो आपको उस टाइम पे अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा। ये सिर्फ आइडियल टाइम एलोकेशन, ये सिर्फ एक आपके आइडिया के लिए, ठीक है? बट आपको स्टिल एक लिमिट, मैक्सिमम लिमिट रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि डीआई करते चले गए 1 घंटा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है? पेपर इज टफ, पेपर इज टफ फॉर ऑल, गैस ऐसा प्रूफ हो चुका है। 2019 कट ऑफ 432 था, 424 था सॉरी, लास्ट ईयर कट ऑफ 370 था, 54 मार्क्स का डिफरेंस था। क्यों था? क्योंकि डीआई टफ आई थी, तो पेपर का टफ आएगा, सबके लिए टफ होगा, तो कट ऑफ भी कम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छे से करो गैस, रिवाइज करो हर चीज, जिन लोगों का 270 280 आ रहा है परेशान मत हो आप, वहां पे कुछ भी हो सकता है, बस रिविजन करते रहो अच्छे से और मॉक एनालाइज करो, ठीक है? गाइस दोस्तों लुकिंग फॉर मॉक्स, यू कैन चेक आउट द मॉक्स, हमने मॉक्स से प्राइस कम कर दिया है, पहले 499 के मॉक्स थे, वो 349 के हैं 6 मॉक्स, आज एक दो कल दो दो ऐसे करके दो, आप आराम से 5 तरह के मॉक दे दोगे, 6 के 6, कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग को कंटेंट चाहिए दे कैन चेक आउट अवर क्रैश कोर्स, 799 का है, लोग आज भी ले रहे हैं, बट आपके ऊपर आप मैनेज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, अगर आपको रीड करना है आपके पास कंटेंट नहीं तो आप ले लो, प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन मत करना, खाली थ्योरी और वीडियो देख लेना, ठीक है? बट बेटर तब रहेगा ये लेना जब आप कोई और एग्जाम दे रहे हो, जैसे सीमैट सीईटी ये सब दे रहे हो, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा उसमें भी ये, ठीक है? तो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, ठीक है? बट मॉक्स तो आपके लिए अच्छे रहेंगे, और मॉक्स में अच्छी बात क्या है कि पेमेंट करते साथ ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा दोनों केस में, चाहे मॉक्स से चाहे हो, ठीक है? तो आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा एक भी, ठीक है? आपका तुरंत के तुरंत 6 मॉक्स आपके पास आ जाएंगे, या आप रिव्यूज से, तो काफी अच्छे रिव्यूज थे, मोर देन 220 प्लस स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड, ज्यादा ही होंगे, काफी लोग व्हाट्सएप ग्रुप ऐड नहीं है, बस व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मुझे पिंग कर देना अगर आपको ऐड होना हो, तो वहां पर डिस्कशन होते रहते हैं, ठीक है? चलो गाइस दिस वाज ऑल ओवर द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। कोई डाउट आता है यू कैन पिंग मी एट 8604734785। दोस्तों आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, कुछ लोग कैट की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो हम लोग 15 मार्च से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं कैट का, बहुत ही इकोनॉमिकल एंड हाईली स्ट्रक्चर्ड बैच विद बैच साइज ऑफ लेस देन 50 स्टूडेंट्स, मैक्स टू मैक्स 50 स्टूडेंट्स का बैच साइज होगा, ताकि सबको अच्छे समझ में आए। हम लोग का पूरा जो कोर्स है कैट का वो 30 जून तक खत्म हो जाएगा, ये फेज वन होगा, हम लोग का कंसेप्ट बिल्डिंग फेज बोलते हैं, सेकेंड फेज में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और मॉक्स देंगे, ठीक है? वो पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।